इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वोटों का परसेंटेज आपको बता देते हैं, आज छठवें राउंड का वोटिंग जो है पश्चिम बंगाल में, उसमें अब तक कितने परसेंटेज वोटिंग हो चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग और अब लगभग 10:30 बजे हैं और ऐसे में 17.25% वोटिंग हो चुकी है, 17% से ज्यादा की वोटिंग अब तक हो चुकी है। और उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाला जा रहा है और यहां पर 18.85% वोट पड़ चुके हैं। और अब बात अगर नॉर्थ 24 परगना की करें, नॉर्थ 24 परगना के सबसे ज्यादा 17 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और अब तक का जो वोट परसेंट है वो 15% है, 15.02% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। और अब बात नादिया डिस्ट्रिक्ट की करें तो नादिया में विधानसभा सीटों में जो चुनाव आज छठवें चरण का चल रहा है, यहां 18.21% वोटर्स ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। बर्धमान की बात करते हैं, बर्धमान में अब तक 18.92% वोट पड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई थी, सुबह 10 बजे तक का जो परसेंटेज आया है वो अमूमन 17-18% लोगों ने अपने वोट डाल दिए हैं। वहीं बंगाल में छठे राउंड की वोटिंग की कवरेज के लिए चारों जिले में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। आज नॉर्थ दिनाजपुर की सभी 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, यहां सुबह से ही करीब करीब हर पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। आपको नॉर्थ दिनाजपुर की इटहार सीट से पवन आरा की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां सैकड़ों लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हम उत्तर दिनाजपुर के इटाहर विधानसभा क्षेत्र में हैं। पोलिंग बूथ नंबर 192 पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं और यहां कतारें सचमुच बेहद लंबी हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं, इस पोलिंग स्टेशन पर 3 पोलिंग बूथ हैं और सिर्फ 1 पोलिंग बूथ नहीं, दूसरे पोलिंग बूथ को देखेंगे तो आप वहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। बच्चों के साथ महिलाएं आई हुई हैं। देश भर में कोरोना का खतरा है, यहाँ लोगों के चेहरे पर मास्क तो है लेकिन बच्चों पे नहीं। बच्चे को मास्क नहीं लगाया अम्मा, बच्चा घर पे नहीं छोड़ सकते? घर पे है कोई? कोई नहीं है घर पे? नहीं, कैसा छोड़ के आएगा वो? घर पे कोई संभालने वाला नहीं है? नहीं है ना, वही लिए लेके आया। अच्छा, तो यहाँ वोट डालने का उतावलापन या कहें कि संजीदगी इतनी ज़्यादा है कि पूरा परिवार यहाँ वोट डालने के लिए आया है। क्या पुरुष क्या महिला, सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और कोरोना की लहर के बीच पश्चिम बंगाल में छठे दौर का मतदान जारी है। यहाँ फिलहाल लोगों के चेहरे पर आपको मास्क ज़रूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ लंबी कतारें हैं और हर कोई अपने वोट को जल्द से जल्द डाल देना चाहता है। ये उत्तर दिनाजपुर की तस्वीरें हैं और फिलहाल वोटिंग जारी है। तो नॉर्थ 24 परगना जिले की 17 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। कोलकाता से सटे इस जिले की हाई प्रोफाइल सीट है नोआपाड़ा, जहां पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी लेकिन इस बार यहां कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं है। नोआपाड़ा में अब की बार किसकी हवा चल रही है, वोटर्स के मन में क्या है, इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। छठे चरण के लिए मतदान जारी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो लंबी कतारें हैं वो बताती हैं कि लोगों के अंदर कितना जोश है। इस वक्त मैं नोआपाड़ा विधानसभा में हूं और नोआपाड़ा विधानसभा में आप देख सकते हैं कि इस जगह पर कुंडूवाड़ी के पास कितनी लंबी कतार लगी है लोगों की जो वोट देने पहुंचे हैं। पुरुषों की लाइन है, महिलाओं की लाइन है, दोनों सेपरेट लाइन है लेकिन यहाँ पर आपको जो लोग नजर आ रहे होंगे वो बराबर है। देखिए जितनी महिलाएं हैं उतने भी पुरुष हैं, तो समझ में आता है कि लोगों के अंदर कितना जोश है और शायद यही वजह कि बंगाल में अभी तक जितने चरण हुए हैं 80% से ज्यादा पोलिंग देखने को मिली है और आज भी लगता है कि लोगों के अंदर वो जोश नजर आ रहा है। अगर नोआपाड़ा की बात की जाए, नोआपाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो फाइट है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो फाइटिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीजेपी की ओर से यहाँ पर सुनील सिंह मैदान में है और टीएमसी ने मंजू बसु को यहाँ पर टिकट दिया है। मंजू बसु 2016 में यहाँ से कैंडिडेट थी टीएमसी की लेकिन महज कुछ वोटों से, 1000 के करीब वोटों से वो हार गई थी कांग्रेस से। लेकिन इस बार जो मुकाबला हो रहा है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस जो पिछली बार यानी 2016 में यहाँ से जीती थी वो यहाँ पर अब फाइट में नहीं है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज वोटिंग के दिन कैसा मूड है उनका। आइए मेरे साथ। क्या नाम है भैया? बप्पा चौधरी। अच्छा, आप तो बिजी है फोन पे।
क्या देख रहे हैं? न्यूज़? नहीं, हाँ वैसे ही। अच्छा, ये बताइए, यंग है, यंग वोटर है, हाँ। तो क्या सोच के वोट कर रहे हैं? कि पार्टी देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कैंडिडेट देख के ही वोट कर रहा हूँ। और चुनाव के दौरान वर्तमान में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मानवता की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बंगाल में तैनात सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान न सिर्फ शांतिपूर्ण चुनाव कराने में दिन रात जुटे हुए हैं, बल्कि मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आज वर्धमान में वोट डालने आई एक महिला पोलिंग बूथ पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी और इस महिला पर आईटीबीपी जवानों की नजर पड़ी तो फौरन जवानों ने महिला को संभाला, उनके चेहरे पर पानी छिड़का, उन्हें पानी पिलाया, जवानों की मदद रंग लाई। कुछ देर बाद महिला को होश भी आया। बंगाल चुनाव पर हर खबर आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हरियाणा के जींद से कोरोना वैक्सीन पर चौंका देने वाली खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।